ठीक है, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप लोगों की। तो हम लोग जो है पिछली बार बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो सेशनल के पहले बात हुई थी, तो एक बार और इसको थोड़ा सा रिपीट कर देना जरूरी रहेगा, नहीं तो सब भूल गए हो तुम लोग। इसको रिपीट कर देते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं एम्बेडेड सिस्टम के, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। तो नो मैटर वेदर इट इज एन एम्बेडेड और नॉन एम्बेडेड सिस्टम, हर एक सिस्टम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो एम्बेडेड सिस्टम हो या ना हो। उसके नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी होंगे जिसको आपको देखना होगा, उसको समझना होगा, और वो जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं वो उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो हो गई कि कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी हो गई क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो कि नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट होता है। व्हेनेवर यू डिजाइन एन एम्बेडेड सिस्टम द डिजाइन शुड टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ बोथ द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स। तो जब भी आप कोई एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसका फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स दोनों पे ही आपका ध्यान होना चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो किसी एम्बेडेड सिस्टम की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो यूनिक हैं किसी एम्बेडेड सिस्टम के लिए। उनमें से जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है उसकी एप्लीकेशन और डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए, वो रिएक्टिव नेचर का होना चाहिए, रियल टाइम वर्क करने में एफिशिएंट होना चाहिए, समटाइम्स ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल द एप्लीकेशंस, हार्श एनवायरनमेंट्स जितने हैं उसमें वो ऑपरेट हो सके ऐसा होना चाहिए, इट इज ऑफ द नेचर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो सके ऐसा एम्बेडेड सिस्टम आप डिजाइन करें, हो सके तो स्मॉल वेट और साइज का डिजाइन करें। ऑल्दो कि कोई जरूरी नहीं है, कोई अगर स्पेसिफिक काम आप कर रहे हैं, सैटेलाइट के लिए बना रहे हैं या रॉकेट लॉन्चर है या कुछ इस तरह का है, तो वहां पे बड़ी साइज का ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। और अगर पावर कंसर्न आपकी मेजर प्रायोरिटी है तो फिर आपको पावर रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना होगा। अब अगर बात करें कि हम लोग एप्लीकेशन और डोमेन स्पेसिफिक जो कह रहे हैं वो क्या है, ईच एम्बेडेड सिस्टम इज हैविंग सर्टेन फंक्शंस टू परफॉर्म, हर एक एम्बेडेड सिस्टम को कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और वो उसके लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो एम्बेडेड सिस्टम्स आर डेवलप्ड टू डू ओनली इंटेंडेड फंक्शन, यानी जिस फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया वो फंक्शन तो एटलीस्ट उसको करना ही होगा। दे कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस, उनका इस्तेमाल और किसी फंक्शन के लिए या और किसी एप्लीकेशन के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसके लिए डिजाइन ही नहीं हुए हैं। इट इज द मेजर क्राइटेरिया विच डिस्टिंग्विश एन एम्बेडेड सिस्टम फ्रॉम अ जनरल पर्पस सिस्टम। तो ये वो मेजर क्राइटेरिया है जो डिस्टिंग्विश करती है किसी एम्बेडेड सिस्टम को जनरल पर्पस सिस्टम के लिए, क्योंकि जनरल पर्पस सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ किया जा सकता है जो कि पॉसिबल नहीं है डोमेन स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम के लिए, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बना है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल उस समय भी लिया था कि माइक्रोवेव ओवन में लगा हुआ एम्बेडेड सिस्टम आप एयर कंडीशनर में यूज नहीं कर सकते, रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ है एम्बेडेड सिस्टम आप ड्रोन के लिए नहीं यूज कर सकते। तो बहुत सारे एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो एम्बेडेड सिस्टम आप बनाते हैं वो पर्टिकुलरली उन्हीं के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते। यू कैन नॉट रिप्लेस एन एम्बेडेड कंट्रोल यूनिट डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन से टेलीकॉम विद अनदर कंट्रोल यूनिट डिजाइन टू सर्व अनदर डोमेन लाइक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप जिस डोमेन में हैं उसमें आपने एक एम्बेडेड यूनिट डेवलप करी, जैसे मान लीजिएगा आप टेलीकॉम सेक्टर में हैं, आप उसके लिए एम्बेडेड कंट्रोल यूनिट या एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं जो उसके लिए ही बना है। अब आप चाहें कि वो जो
कंट्रोल या टेलीकॉम यूनिट के लिए जो आपने एम्बेडेड सिस्टम बनाया है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी कंपनी डिवाइस के लिए कंट्रोल यूनिट की तरह काम करे तो वो पॉसिबल नहीं क्योंकि दोनों के रिक्वायरमेंट, दोनों के फीचर्स, दोनों के इंटेंडेड फंक्शंस डिफरेंट हैं। ये भी हो सकता है कि आपने कंपोनेंट भी बिल्कुल डिफरेंट यूज किए हो, तो ये बिल्कुल ही अलग अलग बात है। इसलिए ही कहा कि एप्लीकेशन या डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए आपका एम्बेडेड सिस्टम। अगर वो सारे ही डोमेन में वर्क कर रहा है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को कर रहा है, तो फिर वो एम्बेडेड सिस्टम ना हो करके वो एक जनरल पर्पस सिस्टम हो गया। दूसरी बात जो हुई, जो की गई, वो था रिएक्टिव एंड रियल टाइम। तो एम्बेडेड सिस्टम जो है आर इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद रियल वर्ल्ड। तो ज्यादातर एम्बेडेड सिस्टम रियल वर्ल्ड से उनका ताल्लुक है, उनसे जो है उनका पाला पड़ता है, वो रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, इनपुट रियल वर्ल्ड से लेते हैं, आइदर थ्रू सेंसर्स लेते हैं या ह्यूमन उनको कोई ना कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उनका इंटरेक्शन जो है वो रियल वर्ल्ड से चलता रहता है। तो रियल वर्ल्ड में आ रहे किसी भी बदलाव को चेक करना, उसे एज ए इवेंट ट्रीट करना, उस इवेंट के आधार पे कोई डिसीजन लेना, क्योंकि उन इवेंट्स के आधार पे आपने कोई एल्गोरिथम बनाई होगी, वो एल्गोरिथम आपके उन सिस्टम में, उस एम्बेडेड सिस्टम में चल रही होगी एक डिजाइंड मैनर में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एल्गोरिथम कोई ना कोई आउटपुट वेरिएबल या कोई ना कोई डिजायर्ड इंटेंडेड फंक्शन को परफॉर्म किया जाना है, इसके लिए आपने एम्बेडेड सिस्टम को बनाया होगा। तो रियल टाइम का मतलब ये हो गया यहाँ पे, रिएक्टिव एंड रियल टाइम का मतलब ये हो गया कि जिस भी फंक्शन के लिए आपने बनाया है, आइदर आप सेंसर के थ्रू कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, या कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा होगा, कोई टच का कहीं काम हो रहा होगा, कहीं पे कोई सेंसिंग का काम हो रहा होगा, और उसके थ्रू जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा आपने एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, और वो प्रोग्राम उस फंक्शन को परफॉर्म कराएगा जिस चीज के लिए आपने उस पर्टिकुलर एम्बेडेड सिस्टम को डिप्लॉय या बनाया है। अब ये जो इवेंट है ये पीरियोडिक भी हो सकता है और अनप्रिडिक्टेड भी हो सकता है। जैसे एटीएम मशीन है, अनप्रिडिक्टेड कभी भी कोई भी आदमी जाके कर सकता है। पीरियोडिक का मतलब आपने उसमें जो है एक टाइमिंग कर रखा है कि भाई आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स या आफ्टर 1 आवर, तो वो आफ्टर 1 आवर जो है सेंसर जो है या जो ह्यूमन को जो इनपुट देना है वो देगा, वो हमेशा उसको रिएक्ट नहीं करेगा, वो ऑलवेज 24/7 रिएक्टिव नहीं है, बट इट टेक्स डेटा फ्रॉम द रियल टाइम। रियल टाइम इंटरवेंशन तो वहां है ही। ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वो बोथ इंक्लूसिव होते हैं, रिएक्टिव एज वेल एज रियल टाइम। Embedded systems produce change in output in response to the change in input, so they generally referred as reactive system. तो ज्यादातर जो embedded system है वो output generate करते हैं in response to the input collected. अब वो input जो है वो कहीं से भी आ सकता है, उसका क्या mechanism रखा है वो embedded system में आपने जो design किया है उसके through, जैसे washing machine में है तो वॉशिंग मशीन में जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में उसे पानी भर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब तक आप जो है उसका वॉशिंग वाला टाइमर सेट नहीं करते, एम्बेडेड सिस्टम अपना काम नहीं करता। तो वो रियल टाइम वर्ल्ड में क्या चेक कर रहा है, टाइमर में कोई एंट्री हुई या नहीं, यानी जो वॉशिंग नॉब पे जो टाइमर लगा हुआ है वहां पे कोई एंट्री हुई या नहीं। वंस द एंट्री हैज बिन मेड वो मोटर को स्टार्ट करा देता है करना। तो ये सेमी ऑटोमेटिक का है। फुल्ली ऑटोमेटिक में वंस यू ओपन द डोर, फ्रंट डोर जो ही आप ओपन करते हैं वहां से ही वो रियल टाइम रिस्पॉन्स लेना स्टार्ट कर देता है, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सेस को मेजर करना शुरू कर देता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है। तो ये हो गया दूसरा फीचर किसी एम्बेडेड सिस्टम का, कि वो रिएक्टिव और रियल टाइम होना चाहिए। तीसरा, रियल टाइम ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि जो टाइमिंग बिहेवियर है सिस्टम का वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए जिसके लिए आपने उसको डिजाइन किया है।
अब आपने डिजाइन किया कुछ किसी और पर्पस के लिए और हो ही नहीं रहा। आप पैराशूट के लिए बनाते हैं, ऑटोमेटिक पैराशूट ओपन करने के लिए कुछ इस तरह का सिस्टम कि भैया इतना इम्पैक्ट लगेगा तो एयर बैग ओपन होगा, इतना इम्पैक्ट लग भी गया एयर बैग ओपन ही नहीं हुआ। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में इतनी स्पीड के बाद ये चेंजेस अपने आप होने हैं, ये मशीन्स को काम करना शुरू कर देना है, वो चेंज हो नहीं रहे। रॉकेट लॉन्चिंग में पर्टिकुलर इस स्टेज पे ये फायर होगा, ये फ्यूल सेक्शन इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये जो है हिस्सा रॉकेट का वो डिटैच होना चाहिए, ये सारे के सारे क्या हो गए एक टाइम लिमिट में परफॉर्म होने हैं, और वो भी डिटर्मिनिस्टिक है। पहले से आपने उस टाइम को बना रखा है और टास्क के लिए जो है वो प्रॉपर रिक्वेस्ट जनरेट किया हुआ है एल्गोरिथम में कि ये इसी टाइम ड्यूरेशन में इस चीज को होना है। तो अ रियल टाइम सिस्टम शुड नॉट मिस एनी डेडलाइन फॉर टास्क का ऑपरेशन। तो जो भी टास्क या जो भी ऑपरेशन के लिए आपने एम्बेडेड सिस्टम बनाया है तो रियल टाइम सिस्टम उन कंस्ट्रेंट को कभी भी मिस ना करे। अदरवाइज क्या होगा कि जिस भी चीज के लिए आपने उस एम्बेडेड सिस्टम को बनाया है वो वहां पे उस तरह से ऑपरेट नहीं करेगा। द डिजाइन ऑफ एन एम्बेडेड रियल टाइम सिस्टम शुड टेक ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो इनटू कंसीडरेशन। तो जब भी हम किसी एम्बेडेड रियल टाइम सिस्टम को डिजाइन करने जाते हैं तो हमको द वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसीडर करके और उसके लिए डिजाइन को बनाना चाहिए, ना कि आइडियल, क्योंकि आइडियल के लिए तो बना ही लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी बात आगे करेंगे, ये हम लोग हार्श कंडीशन में, तो जैसे हम लोगों पहले भी बात किए थे कि टेक्यूआ में आईआर सेंसर्स को लेकर के बना लिया। अब आपने तो बनाया आइडियल कंडीशन के लिए, पर कंडीशन आइडियल नहीं मिली, तो जब आइडियल कंडीशन नहीं मिली तो एम्बेडेड सिस्टम परफॉर्म ही नहीं कर रहा और पूरा पूरा प्रोजेक्ट काम ही नहीं कर रहा। तो हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो के को कंसिडर करके उसकी डिजाइनिंग का अप्रोच रखिए जो भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। अब थर्ड फीचर है ऑपरेट्स इन हार्श एनवायरमेंट, मुश्किल हालात में काम करना, सिचुएशन टफ है, आपको काम कराना है अपने एम्बेडेड सिस्टम से। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एम्बेडेड सिस्टम शुड बी डिप्लॉय इन कंट्रोल एनवायरमेंट। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के लिए बनाए जाए, ऑल्दो कि बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि एसी का है तो एसी के साथ जो है, अब आजकल वो इन्वर्टर एसी आ गए हैं या इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं, तो वो तो वोल्टेज रेंज को ज्यादा बढ़ा करके रखते हैं और उसमें वो ऑपरेट कर भी लेते हैं, लेकिन सारे के सारे ही करते हो ऐसा पॉसिबल नहीं। पहले जो बनते थे वो 170 180 वोल्ट के नीचे आते ही जो है कंप्रेसर काम करना बंद, एसी चलेगा ही नहीं। अब जब तक वोल्टेज लेवल उसके ऊपर नहीं होगा एसी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के लिए बना हुआ है, उतने रेंज का वोल्टेज उतने रेंज की करंट मिलेगी तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो ये वर्स्ट के सिनेरियो के लिए डिजाइन नहीं हुआ, ये क्या हो गया कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन हो गई। The environment in which the embedded system deploy may be a dusty one, धूल भरी जगह हो सकती है, हाई टेम्परेचर जोन हो सकता है, बहुत सारे झटके लग रहे हो वहां, वाइब्रेशन एंड शॉक वाला इन्वायरमेंट हो सकता है। तो क्या है आपके सारे कंपोनेंट जो अपने एम्बेडेड सिस्टम में यूज किए हैं वो इन सारे वेरिएशंस के लिए तैयार हैं या नहीं है, या आपने डिजाइन करते समय इनका ध्यान रखा ही नहीं, आपने किसी और तरीके से उसकी डिजाइन की और जब डिजाइन करके उस जगह पे ले गए तो अब वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि आपने कंपोनेंट का सिलेक्शन उस तरह से नहीं किया। तो सिस्टम प्लेस्ड इन सच एरिया शुड बी कैपेबल टू विदस्टैंड ऑल दीज एडवर्स ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो ज्यादातर मिलिट्री एप्लीकेशंस जो होते हैं तो उसके जो एम्बेडेड सिस्टम उसमें जो डिजाइन होते हैं उसका रेंज बहुत बड़ा रखते हैं, वो वर्सेटाइल रखते हैं, टेम्परेचर रेंज रखा तो भी उसका टेम्परेचर रेंज को वेल डिफाइंड काफी लार्ज रेंज में उसको डिफाइन करेंगे। एनवायरनमेंट कंडीशन को भी वो आइडियल एनवायरनमेंट कंडीशन के लिए ना करके वो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो जैसलमेर के रेगिस्तान में भी काम कर सके और
बिल्कुल जो है वो एडवर्स कंडीशन जैसे अपने सियाचिन में है वहां भी काम कर सके। तो एक जगह सोचिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और एक जगह माइनस में 25 डिग्री, तो इतना बड़ा रेंज लेकर के वो डिसाइड करते हैं कि हमको अपना एम्बेडेड सिस्टम इस तरह से डिजाइन करना है जो इस रेंज में काम कर सके, इस टेम्परेचर जोन में काम कर सके। टैंक्स जो बनते हैं उस टैंक में अगर एम्बेडेड सिस्टम बनाने जा रहे हैं, और जो आपने फोर व्हीलर अपने घर में यूज कर रहे हैं, इन दोनों के एम्बेडेड सिस्टम में बहुत अंतर होगा। जो टैंक वाला होगा उसको एडवर्स कंडीशन में काम करना होगा, वाइब्रेशन एंड शॉक उसमें बहुत ज्यादा लगेंगे क्योंकि वो स्मूथ सड़क पे तो चलने वाला नहीं है, रफ टेरेन में माउंटेन्स में उसको चलना होगा, तो वाइब्रेशन एंड शॉक वहां ज्यादा होंगे, तो आपको फिर इन चीजों का ख्याल रखना होगा। द डिजाइन शुड टेक केयर ऑफ द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द एरिया वेयर द सिस्टम इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो आपको उन ऑपरेटिंग कंडीशन का खास ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है अपने सिस्टम को डिजाइन करते समय, जहां के लिए आप अपने एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सिस्टम नीड्स टू बी डिप्लॉयड इन अ हाई टेम्परेचर जोन, देन ऑल द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द सिस्टम शुड बी ऑफ हाई टेम्परेचर ग्रेड का होना चाहिए। यानी अगर आप जो है एक ऐसे सिस्टम को बनाने जा रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम को जो हाई टेम्परेचर जोन में काम करेगा, तो नेचुरली आपको उसके सारे कंपोनेंट्स ऐसे लेने होंगे जो हाई टेम्परेचर रेंज में भी अपने इंटेंडेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हो और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जरा भी डिग्रेड ना होती हो। अगर ऐसा होगा तभी वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये ऑपरेट्स इन हार्श एनवायरमेंट का मतलब। Here we cannot go for a compromise in cost. तो naturally अगर आप सोच लीजिए कि मिलिट्री कोई एप्लीकेशन है जहां मिलिट्री का कोई पर्पज सॉल्व होना है और उसके लिए आप एम्बेडेड सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो नेचुरली आप कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे कि यार यार कुछ भी लगा तो चलेगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि कंडीशन एक तो एडवर्स है और दूसरी जो है लाइफ थ्रेटनिंग वर्क्स हो रहे होते हैं, तो कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। क्वालिटी बिल्कुल आपको हाई क्वालिटी रखनी होगी, और जो भी आपका वर्किंग रेंज है टेम्परेचर का, प्रेशर का और बाकी और सब चीज का, वो आपको वाइडली डिफाइन करके रखना होगा। पावर सप्लाई फ्लक्चुएशंस, कोरोजन एंड कंपोनेंट्स एजिंग एटसेट्रा आर टू बी अदर फैक्टर्स। अब इसके अलावा पावर सप्लाई का फ्लक्चुएशन हो सकता है, स्पाइक्स के लिए आपको तैयार रहना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के थ्रू अगर नॉइज जनरेट हो रही है तो कहीं वो नॉइज तो नहीं आपके कंपोनेंट को कोई एरर कर दे, पता लगा आपने कोई डिजिटल सिग्नल दिया और किसी बिट में जो है एरर प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि वार जोन में बहुत सारे एयरक्राफ्ट और बहुत सारी मशीन्स आसपास काम कर रही होंगी, तो उन सब के थ्रू जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होगा, तो कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपने प्रॉपर जो है शील्डिंग नहीं किया है अपने एम्बेडेड सिस्टम में, तो शील्ड अगर नहीं है सही तरह से आपका एम्बेडेड सिस्टम, तो देयर इज अ चांस ऑफ फॉल्स इनिशियलाइजेशन, अपने आप से कंपोनेंट स्टार्ट हो सकते हैं उसमें कोई, क्योंकि बहुत सारा नॉइज होगा, तो नॉइज के थ्रू जो है बहुत सारे बिट्स में चेंजेस आ सकते हैं डिजिटल डेटा ट्रांसफर में, ये सब कुछ ध्यान रखना होगा। कोरोजन, क्योंकि एनवायरनमेंट बाहर का क्या हो, ह्यूमिड है, बहुत बारिश हो रही है, या बिल्कुल डस्टी है, ड्राई एयर है, कंपोनेंट की एजिंग, यानी आपको पहले से डिफाइन करके रखना होगा कि भाई ये कंपोनेंट इतने साल तक तो चले ही, ऐसा ना कंपोनेंट यूज करें कि हर 2-3 दिन पे बदलने का हो, अगर बदलने की जरूरत है भी तो प्रॉपर अमाउंट में कंपोनेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो आपके पास टेक्नीशियन होने चाहिए जो उसको रिप्लेस कर सके, तो ये सारी कंसिडरेशन आपको रखनी पड़ेगी ध्यान में उन एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए जो हार्श एनवायरनमेंट में काम करने जा रहे हैं। चौथा जो फीचर था उसको कहा डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हुआ? द टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स दैट एम्बेडेड सिस्टम मे बी अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम।
यानी जो एम्बेडेड सिस्टम हम बना रहे हैं वो अपने में कंप्लीट तो है, वो जिस काम के लिए हम बना रहे हैं वो तो है, वो काम तो वो करेगा, पर ये किसी बड़े सिस्टम का सिर्फ एक काम करेगा। यानी वो जो काम कर रहा है, एक बड़ा सिस्टम है जिसको 10 काम करने हैं, उनमें से किसी एक काम को पूरा करने के लिए मैंने अपना एक एम्बेडेड सिस्टम बना दिया, बाकी 9 काम के लिए और 9 एम्बेडेड सिस्टम बने हुए हैं। लेकिन ये 10ों एम्बेडेड सिस्टम आपस में सहयोग कर सके, इनकी आपस में कॉम्पेटिबिलिटी हो, जिसकी वजह से कंप्लीटली हम उस लार्जर एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, तो कहा जाएगा कि हमारा एम्बेडेड सिस्टम जो है, जो मैंने एक काम के लिए बनाया, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का है। मेनी सच नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड सिस्टम फॉर्म अ सिंगल लार्ज एम्बेडेड कंट्रोल यूनिट। जब ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड सिस्टम मिलते हैं जो आपस में कॉम्पेटिबल होते हैं, तो वो एक सिंगल बड़े लार्ज एम्बेडेड कंट्रोल यूनिट को बनाते हैं। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एक उसी तरह का एग्जाम्पल है, या आप कह लें एटीएम मशीन उसी तरह का एक एग्जाम्पल है। उसमें कार्ड रीडर अलग एक एम्बेडेड सिस्टम है जिसका काम सिर्फ कार्ड को रीड करना है, जो कार्ड आप इंसर्ट करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी इंसर्ट करते हैं। जब कार्ड रीडिंग हो गई, उसने जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी नेक्स्ट एम्बेडेड सिस्टम को, उसका काम ओवर हो गया। वेंडिंग यूनिट जो है उसका काम अलग तरह का है, नोट का नोटों को छांटना, कितनी नोट कितने तरह की देनी है, उसका काम हो गया। थर्ड एम्बेडेड सिस्टम का काम सिर्फ कम्युनिकेशन का है कि एटीएम मशीन से सैटेलाइट के थ्रू कंसर्न बैंक को मैसेज देना, उससे मैसेज लेना और ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराने का। फोर्थ एम्बेडेड यूनिट उसी में लगी हुई है जिसका काम प्रिंटिंग का है, वो उन डिटेल्स को प्रिंट करके देगी जो ट्रांजेक्शन में करते समय हुए हैं। तो इस तरह के कई सारे एम्बेडेड सिस्टम मिलकर के एक कंप्लीट एटीएम मशीन को बनाते हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए आपस में, ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, वो कॉम्पेटिबल हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ वो इजिली कम्युनिकेट करके ऑपरेट करा रहे हैं और एक बड़ा पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। और बड़ा पर्पस क्या है कि किसी भी रिमोट प्लेस पे कोई भी यूजर पैसे को सिक्योरली कैसे अपने पैसे को निकाल सकता है विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी ब्रीच इन सिक्योरिटी। तो ये सारा एक बड़ा सिस्टम है, उसका ये पार्ट हो गया जिसके कई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पार्ट्स हैं। तो हम लोगों ने एटीएम मशीन की बात करी ली कि इसमें जो है कार्ड रीडर एम्बेडेड यूनिट एक है, दूसरा वैलिडेटिंग के लिए है कि भाई जो एटीएम कार्ड डाला गया वो करेक्ट है या नहीं है, या फॉल्स है, प्रॉपरली वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, तो ये सारा कुछ प्रोसीजर उसका होगा जो उसको कम्युनिकेट कराएगा। ट्रांजेक्शन यूनिट ट्रांजेक्शन कराने के काम में, करेंसी काउंटर का काम है करेंसी को काउंट करना, वेंड करना, उस पर्सन को देना। तो डिस्पैचिंग मशीन जो होती है वो डिस्पैच करती है व्हेन द कलेक्शन इज व्हेन द काउंटिंग इज कंप्लीटेड एट द करेंसी काउंटर द मनी इज डिस्पैच थ्रू अ विंडो। वहां भी एक एम्बेडेड सिस्टम है कि वो पर्टिकुलर उसने ही ड्यूरेशन के लिए ओपन होगा वो विंडो, अगर आपने पैसे लिए नहीं लिए तो पहले पैसा होता था वापस चला जाता था, अब तो ऐसा आ गया कि वो ट्रे जैसी आ जाती है, आपके पैसे बाहर ही आ जाते हैं। ऑथराइज पर्सन को वो पैसा मिल रहा है या नहीं। प्रिंटर यूनिट है जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स को प्रिंट करती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है स्कैडा का। स्कैडा जो है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम है जो ज्यादातर कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो यहाँ पे फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जितनी भी इंडिविजुअल मशीन लगी हुई है उनसे डेटा को लेना, उनको एक पैनल के थ्रू एक सुपरवाइजरी मॉड्यूल को भेजना, वहां पे एक ऑपरेटर जो है उन मॉड्यूल्स को चेक करेगा, उनकी वैल्यूज को लगातार एग्जामिन करेगा, देखेगा, और फिर आफ्टर
reading the values, he or she takes a decision of controlling that machine. तो पिछले बार भी हम लोगों ने बात की, जैसे कि अगर sugar industry है, 5-6 boilers लगे हुए हैं, तो सारे ही boilers में कितना temperature zone किस boiler का है, उसमें कितना इस वक्त जो है वो material है, उसका proper temperature zone कितना रखना है, ये सब कुछ जो है वो supervisory control और data acquisition के through होता है. और इसको एक supervisor इस मॉड्यूल को कम्प्लीटली चेक कर रहा होता है. तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हर एक बॉयलर के साथ एक अलग अलग एम्बेडेड सिस्टम लगे हों, और वो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के हैं, वो पांचों मिल करके अगर 5 बॉयलर हैं तो एक फाइनल सुपरवाइजर मॉड्यूल को सिग्नल सेंड कर रहे हो, और वो फिर वहां पे उसको कंट्रोल कर रहा हो. तो ये सारी चीजें जो है वो होती है, जो डिफरेंट डेटा पे डिपेंड करती है. जैसे गन्ना कमाया, अब आप बॉयलर्स को 5 बॉयलर को ऑन कर रखे हैं, और लेकिन हमें पता लग गया कि सडनली नेक्स्ट आवर में जो है वो जो अमाउंट ऑफ सुगर केन चाहिए वो कम है. अब आपको 2-3 बॉयलर्स को बंद करना होगा, तो उसको किस ऑर्डर में बंद करेंगे, किसके टेम्परेचर को कितना फिर रिड्यूस करते करते आप उसको शट डाउन करेंगे, क्या शट डाउन करना फिजिबल सोल्यूशन है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट आवर में उसके नेक्स्ट आवर में गन्ने ज्यादा आ जाएंगे. तो बॉयलर को ऑन करना ऑफ करना अगेन जो है फ्यूल कंजम्पशन को आपको देखना पड़ेगा. तो ये सारे डेटा जो है वो डेटा एक्विजिशन का पार्ट होते हैं, और उस मैनेजर को जो उसको ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशनल हेड को, ये सारे डिसीजन लेने होते हैं. तो ये स्कैडा में आता है. अब अगर आपने कोई एम्बेडेड सिस्टम ऐसा बनाना है जिसकी साइज छोटी रखनी है, जिसका वेट कम रखना है, क्योंकि वो डिमांड है उस प्रोडक्ट की कि उसकी साइज छोटी होनी चाहिए, तो फिर आपके मिनिएचराइजेशन क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होना चाहिए कि कंपोनेंट की साइज को कैसे रिड्यूस करें, क्या मार्केट में अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं या नहीं है, जो अवेलेबल हैं उनके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, किसमें क्या फायदा क्या नुकसान है. तो आप देखते होंगे नए मोबाइल फोन में बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, किसी में 3 कैमरे, किसी में 4 कैमरे पीछे की ओर लग जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या उनकी जो है सेप पे लुक पे क्या असर पड़ रहा है, ये सब कुछ जो है वो एक डिजाइनर को सोचना होगा. उसका वेट कितना होगा, उसकी साइज कैसी होगी, उसका सेप कैसा दिखेगा, किस स्टाइल में होगा, ये सारे के सारे डिजाइनिंग फैक्टर्स हो जाएंगे जब हम लोग मिनिएचराइज करते हैं, यानी जब किसी चीज को छोटा करते हैं, तो उसका लुक बहुत जो है वो मैटर करने लगता है. तो पीपल बिलीव इन फ्रेज लाइक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मोर ओवर इट इज कन्वीनियंट टू हैंडल, क्योंकि उसको ले आना ले जाना आसान होता है बल्कि प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन में. तो बहुत सारे ऐसे भी डोमेन हैं जहां कॉम्पैक्टनेस जो है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है. तो मोबाइल के केस में जैसे हम लोगों ने देखा कि मोबाइल सुंदर भी दिखता हो, उसके फीचर्स भी बहुत अधिक हो, उसके कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी हो, तो कैमरा छोटा भी हो, कई कैमरे हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो फिर आपको एज ए डिजाइनर आपको सोचना पड़ता है कि कौन से कैमरे को चूज करें, मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं, या अगर हम अपना खुद का बनवा रहे हैं अपने लिए तो फिर हम अपना किस तरह का बनवाए, क्या उसका फीचर होना चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए, तो ये सब फैक्टर वहां पे आ जाएगा. ज्यादातर जो एप्लीकेशन आजकल हैं, अगर हम मिलिट्री का, एविएशन इंडस्ट्री का, हैवी मेटल इंडस्ट्रीज की बात छोड़ दें, तो वो स्मॉल साइज एंड लो वेट प्रोडक्ट्स को कह रहे हैं. मिलिट्री में तो लुक्स पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं अभी, वहां तो सिक्योरिटी जो है वो प्राइम कंसर्न हो जाता है, सेफ्टी प्राइम कंसर्न हो जाता है, तो वहां पे लुक के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम नहीं करते कि हमारा टैंक इतना सुंदर दिखना चाहिए, मशीन हमारी जो है वो ऐसी सुंदर दिखनी चाहिए, वहां पे लुक्स पे नहीं उतना भी फोकस है. लेकिन ज्यादातर चीजें जो हम अपने होम घरों में यूज कर रहे हैं वो अब लुक पे भी आ गई है कि हमारा स्मार्ट टीवी कैसा दिखेगा, व्यूइंग एंगल कितना है, लुक वाइज कैसा दिखता है, फीचर्स क्या है, फ्रिज कैसा दिख रहा है, ओवन कैसा दिख रहा है, एसी और स्लीक हो जाए और बेहतर हो जाए,
और कम आवाज करे तो ज्यादा अच्छा है, साइज भी थोड़ी कम हो जाए पर कूलिंग बढ़ जाए, वेट कम हो तो उसको जो है वेट कम होगा तो हम इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं वॉल पे। ये सारी चीजें अब ध्यान में आने लगती। छठा जो कंसर्न एरिया है या जो फीचर्स की बात करें तो वो है पावर कंसर्न। एम्बेडेड सिस्टम में पावर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस फैक्टर को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप हीट डिसिपेशन को मिनिमाइज करिए, जो यानी जो कंपोनेंट्स आपने लगाए हैं वो कितना हीट डिसिपेट कर रहे हैं, यानी कितनी एनर्जी जो है वो यूजेबल फॉर्म में नहीं हो रही है, वो अनयूज्ड फॉर्म में जा रही है, इसको मिनिमाइज करना है। तो हीट अमाउंट ऑफ हीट डिमांड्स कूलिंग रिक्वायरमेंट्स, तो फिर आपको कूलिंग फैन लगाने होंगे, हीट सिंक्स बहुत सारे यूज करने होंगे। तो जब भी आप कूलिंग फैन लगाएंगे या हीट सिंक लगाएंगे तो सिस्टम बल्की होता जाएगा, एडिशनल स्पेस उसको चाहिए होगा। तो अगर ऐसी चीज है तो फिर आप सोचेंगे कि नहीं कुछ ऐसा कंपोनेंट यूज किया जाए जिसमें हीट डिसिपेशन ही कम होता हो, जिसकी वजह से हमको ये सब चीज लगानी ही ना हो। तो उस कंडीशन में आप आजकल अल्ट्रा लो पावर कंपोनेंट्स की तलाश करते हैं, अपने डिजाइन के हिसाब से लो पावर कंपोनेंट्स यूज होते हैं जो पावर सेविंग के लिए काम आते हैं कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स में। ज्यादातर ऐसे एप्लीकेशन जो बैटरी ऑपरेटेड है, जहाँ पे बैटरी यूज हो रही है, जहाँ पे पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता वहां के लिए, फिर पावर डिसिपेशन या पावर मैनेजमेंट एक बहुत क्रिटिकल कंस्ट्रेंट बन जाता है। तो जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल है, अब वहां पे पावर कंजम्पशन का कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, बिजली आ रही है तो लगा दिया, काम कर रहा है। हालांकि अब तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कितने रेटिंग का है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कितने स्टार की रेटिंग है, क्योंकि स्टार रेटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग में मिलती है कि कितनी बिजली की खपत है, यानी बिजली की खपत यानी कितना फ्यूअल कंजम्पशन है, कितना ओवरऑल जो है आपकी बिलिंग एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ रहा। तो ये सारा कुछ जो है वो कंसीडर होता है एम्बेडेड सिस्टम के फीचर्स में। तो इतनी बात इस लेक्चर में रखनी थी, इसके बाद फिर 3:40 पे मेरा फिर से लेक्चर होगा आप लोगों का, 3:40 पे अगेन आप लोग 3:40 पे जुड़ जाइएगा, अभी जो लोग हैं वो अटेंडेंस दे दें।